गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति। आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू डांस, मेकअप, डीआईवाई, ट्रैवल, बेबी, प्रेगनेंसी, ज्वेलरी, एवरीथिंग विच आई लव। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चार इंस्टाग्राम स्टोर और वेबसाइट जहां से आप शॉप कर सकते हैं अपने लिए या फिर आप अपनी सिस्टर किसी के लिए भी गिफ्टिंग आइटम, दिवाली गिफ्ट भी दे सकते हैं। मिनिमम 3 डेज में ये स्टोर्स डिलीवर कर देते हैं तो यू हैव लिटिल बिट टाइम। आई एम बिट लेट बट यू हैव टाइम इन योर हैंड्स इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन समथिंग स्पेशल और यू कैन बाय फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। सो विदाउट फर्दर डू सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सारे स्टोर्स के और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। और जो फर्स्ट स्टोर है उनकी वेबसाइट भी है एंड यू कैन फॉलो देम ऑन देयर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड यूट्यूब चैनल। उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो फर्स्ट स्टोर है दैट इज डेजलिंग ज्वेलरी। उनकी तरफ से मुझे ये बॉक्स आया है। इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सारी ज्वेलरी पैक करके भेजी है। और इनकी ज्वेलरी की सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब गोल्ड इमिटेशन ज्वेलरी है तो इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अगर किसी को नहीं पता तो सब लोग ये सोचेंगे कि आपने गोल्ड की या रियल डायमंड की ज्वेलरी पहनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इयररिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट इयररिंग मंगवाए थे वो वाले ये इयररिंग है। दे आर रियली ब्यूटीफुल और मैं यहाँ पे फुटेज भी लगा दूंगी मेरी इनको पहने हुए। मैं पहन ही लेते हैं एक्चुअली, मैंने कुछ ज्वेलरी नहीं पहनी है। तो फर्स्ट जो ज्वेलरी पीस है वो है ये फ्रॉम डेजलिंग ज्वेलरी और बहुत ही ब्यूटीफुल ये झुमकी है। सो ये जो ये आप देख रहे हो ये सेमी प्रीशियस रूबी स्टोन बताया उन्होंने मुझे और गोल्ड की प्लेटिंग है इनकी और बहुत ही सुंदर पीस है। बहुत हैवी नहीं है, लाइट वेट है। और इनका प्राइस और मैं सब यहाँ वीडियो में डाल दूंगी और आप और उनकी रेंज देखना चाहते हो तो उनके पेजेस को फॉलो कर लीजिए। सो आई रियली लाइक दीज झुमकी। सो ये वाली झुमकी मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी। आप देखो इतनी प्यारी इसकी फिनिशिंग है और नीचे ये जो पर्ल की जो हैंगिंग्स है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। मतलब एक बड़ा पर्ल के बाद में छोटे छोटे पर्ल्स लगे हैं तो बहुत ही क्यूट डिटेलिंग है इसकी। सो मेरे को ये वाली जो झुमकी है बहुत ही सुंदर लगी। और आप लोगों को पता है मेरा ऑब्सेशन ज्वेलरी का और झुमकीज का। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पहले की ज्वेलरी कलेक्शन वीडियोस भी देख सकते हैं। सेकंड ज्वेलरी पीस है वो है ये अमेरिकन डायमंड की झुमकीज। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइज। इसमें छोटे छोटे अमेरिकन डायमंड्स लगे हैं इस झुमकी में और बीच में यहाँ पे एक छोटा सा एमरल्ड ग्रीन स्टोन लगा है और छोटे छोटे एमरल्ड ग्रीन स्टोन इसमें लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लाइट वेट है। सो आपको इनकी ज्वेलरी के साथ बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आप जब इनकी ज्वेलरी पहने तो ज्वेलरी को पहन के परफ्यूम ना लगाएं क्योंकि उससे इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, मे बी पॉलिश निकल जाए। सो अगर आप चाहते हो कि आप इस टाइप की ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो इमिटेशन ज्वेलरी है जो गोल्ड या डायमंड की लुक अलाइक है तो उनको मेंटेन भी थोड़ा करना पड़ता है। तो उस मेंटेनेंस के लिए आप प्लीज परफ्यूम अवॉइड करिए जब भी आप ये ज्वेलरी पहने। और अगर आप ये झुमकी देखें तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत ही प्यारी इसमें यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है और इसमें यहाँ पे पीछे की तरफ झुमकी के अंदर एक पर्ल की हैंगिंग भी है जो उसको और भी ब्यूटीफुल बनाती है। सो जो नेक्स्ट पीस है वो है ये चोकर और ओ माई गॉड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट गाइज। बहुत ही ज्यादा सुंदर ये चोकर पीस है और इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब पास से दूर से कोई कहीं से देख के नहीं बता सकता कि इमिटेशन ज्वेलरी है। इतनी रियल लग रही है, इतनी प्यारी फिनिशिंग है। मैट फिनिश है इसका, जो गोल्ड का जो फिनिश है वो ग्लॉसी नहीं है, मैट है। बहुत ही सुंदर इसमें इंट्रिकेट वर्क हो रहा है यहाँ पे और ये पर्ल्स की हैंगिंग है और रूबी या मरूनिश कलर के इसके यहाँ पे ये पर्ल लगे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं। और इसकी झुमकी की डिजाइन तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी।
मतलब अगर आपको कभी ये चोकर नहीं पहनना हो, सिर्फ छोटे से कोई इयर रिंग पहनने हो अपने किसी ड्रेस के साथ, तो यू कैन कैरी दीज झुमकी इजीली विद देम। सो बहुत ही प्यारा है, जैसे इसमें भी नीचे छोटा सा ये एक पर्ल का हैंगिंग है, बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है। सो दिस पीस इज वन ऑफ माई फेवरेट। इनफैक्ट यहाँ पीछे भी इन्होंने काफी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। मैं लेट मी जस्ट तो इसमें यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ये दे रखा है इन्होंने कुछ जॉइंट, तो उससे ये अब बहुत इजीली किसी की भी नेक पे एडजस्ट हो जाएगा। और एज यू कैन सी कितना ब्यूटिफुल है, मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं ये पीकॉक, और मतलब बहुत ही प्यारा पीस है। और इसमें यहाँ पे एंड में यहाँ पर भी बहुत अच्छी फिनिशिंग दी हुई है स्टोन्स के साथ में। सो दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट पीस। लाइक आप इसके झुमकी की भी अगर फिनिशिंग देखोगे ना, तो देखो यहाँ से कितना ब्यूटिफुली इन्होंने अटैच किया हुआ है। कोई चीप ज्वेलरी की तरह यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिंग होती है वो नहीं है, और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग दी हुई है इन्होंने, मतलब ब्यूटिफुल। और ये नीचे पर्ल की हैंगिंग तो मेरी फेवरेट है। पीछे से भी बहुत अच्छी डिजाइन है, बहुत सिक्योर है। इसका जो स्टॉपर है ये भी वो चीप ज्वेलरी के साथ जो आता है वैसा नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी का स्टॉपर है इसके साथ में, और बहुत ही अच्छे से ग्लाइड हो जाता है। आई रियली लव दिस पीस। ऑल्सो इन्होंने मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंगन भी भेजे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे साइज में छोटे हैं, मुझे आ नहीं रहे। बट एज यू कैन सी दे आर सो ब्यूटिफुल, और इतनी प्यारी इनकी फिनिशिंग है। आई एम रियली सैड कि मुझे आ नहीं रहे हैं, बट बहुत ही ब्यूटिफुल। एंड दे हैव रियली क्वाइट ब्यूटिफुल एंड ह्यूज रेंज इन कंगन्स, एंड दे हैव ऑल्सो कनौती। सो कनौती भी जो नॉर्मल ऐसी बाजार में मिलती है उस टाइप की नहीं, बहुत सुंदर सुंदर कनौती है इनके पास, वो देवसेना वाली, बट वेरी ब्यूटिफुल क्वालिटी एंड फिनिशिंग। और उसके अलावा बहुत ही सुंदर ये कंगन है, कहीं से भी ये आपको छुपेंगे नहीं, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। सो नेक्स्ट पीस जो है वो ये नेकलेस है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही प्रिटी इसकी फिनिशिंग है, बहुत साउथ इंडियन लुक देता है ये। और इसकी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी झुमकी है इसके साथ में, जो यहाँ पे फ्लावर डिजाइन है वही यहाँ पर है, और बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग से बना हुआ है। मतलब यू कान टेल कि ये गोल्ड का नहीं है। आई लव द फिनिशिंग। और आप इनकी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये वहां पे बहुत सारे लाइव सेशन देते हैं, वहां पर आप जाके इनकी लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो उनके उनमें जो ये ज्वेलरी दिखाएंगे उसकी आपको जस्ट फोटो खींचनी है, और यू कैन ऑर्डर। मैं मोबाइल नंबर नीचे डाल दूंगी जिसमें आपको ऑर्डर करना है। और उसके अलावा आप इनके सारे पेजेस को जरूर फॉलो कीजिए। दे हैव रियली ब्यूटिफुल ज्वेलरी, एंड द स्टोर इज फ्रॉम हैदराबाद। सो दे प्रॉमिस कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3 डेज में आपके पास ये ज्वेलरी डिलीवर कर देते हैं। और इनकी क्वालिटीज, इनकी फिनिशिंग कितने ब्यूटिफुल है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ग्रीन कलर के पर्ल हैं, और ये कहीं से भी चुभता नहीं है, इतना सॉफ्ट है, इतने प्यारे यहाँ पे पर्ल्स हैं। और ये मेन जो आपको कभी किसी ज्वेलरी की अच्छी क्वालिटी देखनी है तो आपको ये वाला पार्ट देखना चाहिए। देखिए कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने ये डोरी फिनिश की हुई है, और ये डोरी पे भी इन्होंने बहुत प्यारा सा ये एंडिंग में ये पर्ल्स की फिनिशिंग दी है। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस है। सी गाइस, सो जो नेक्स्ट स्टोर है वो ऐसे क्यूट सी पैकेजिंग देता है। द स्टोर नेम इज जहरा, और इस स्टोर की सबसे ब्यूटीफुल बात एक तो ये ऐसे हैंडमेड पैकेट देते हैं, और उसके अलावा ये मेरी फ्रेंड का ही स्टोर है, उसकी मम्मी अपने हाथों से बनाती है। सो गाइस, जैसे मोदी जी ने कहा इस बार दिवाली लोकल लोगों के लिए वोकल फॉर लोकल आपको करना है, तो ऐसे छोटे बिजनेसेस को हमको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे उनसे 2 ईयरिंग मिले हैं, उनमें से मैं आपको दिखा दूँ। देखो कितनी क्यूट पैकेजिंग, हर चीज पे कितना प्यारा ध्यान दिया जाता है इन लोगों की तरफ से। सो इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो जो फर्स्ट ईयरिंग है वो है ये क्यूट से फ्लावर वाले ईयरिंग्स। ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जस्ट शो यू। सी कितने प्यारे लग रहे हैं। सो इनके ज्वेलरी स्टोर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हैंडमेड है, और उसकी मम्मी ने अपनी हाथों से बनाए हैं।
और बहुत ही प्यारे पीसेस हैं, आप देखो वूल से बने हुए हैं और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है, सो आई रियली लाइक देम। यस, और प्राइसिंग और लिंक सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट पीस जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो नेक्स्ट पीस है ये मैंने स्पेशली ऑर्डर देके बनवाया है, इसमें इनके पास दो तीन वेरिएंट हैं जो जिसमें से मैंने ये वाले बनवाए हैं, दिस 3D रोज। ओ माय गॉड, दीज आर सो ब्यूटिफुल। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है और बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है इसमें, और दे हैव रियली ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं। आई थिंक वाटरमेलन में है, पाइनएप्पल शेप में है, ये तो मुझे कुछ याद है। उसके अलावा आंटी ने बहुत सुंदर सुंदर रेनबो वाले हैं, बहुत ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि उनके हाथ से, उनके लव से बने हुए हैं। और इयररिंग के अलावा दे ऑल्सो हैव वन मोर थिंग जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च करी है, लेट मी गेट इट। सो इयररिंग्स के अलावा उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं इस टाइप के ब्यूटिफुल स्क्रंचीज, ये कॉटन मटेरियल में है और बहुत ही सुंदर है, एंड दे हैव रियली ब्यूटिफुल प्रिंट्स इन दीज। मैं कुछ फोटोज लगा दूंगी और बहुत ही प्यारे लगते हैं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये वाला लगा के दिखाती हूँ। सो इस टाइप से बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन के इनके पास स्क्रंचीज हैं, सो प्लीज गाइज डू फॉलो देम, एंड आप कुछ भी मंगवाएं तो उनको जरूर टैग करिए और मुझे भी टैग करिए, तो मुझे पता लगेगा कि मेरे थ्रू आपने इनसे कुछ मंगवाया है। और ऑनेस्टली गाइज ये छोटे छोटे बिजनेस को हमारी बहुत जरूरत है, तो प्लीज गो एंड शॉप। सो नेक्स्ट स्टोर की तरफ चलते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टोर है दैट इज लाख बाय पीएस, और इनके नाम से ही पता लग रहा है कि सारी ज्वेलरी लाख से बनी हुई है, एंड मेरी सिस्टर का स्टोर है। सो एज यू कैन सी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन है, और ये सब कुछ हैंडमेड है और हाथ से बने हुए हैं, हैंडमेड है, हाथ से बने हुए, व्हाट आई एम टॉकिंग। सो ये सब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पीस हैं, और इनके पास लाख के साथ साथ लाख में ही इस टाइप की मीनाकारी के भी इयररिंग्स मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट है ग्रीन कलर, इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं जैसे, और इसमें डिजाइन भी है डिफरेंट, लाइक वो चांद वाली स्टाइल में था। सो ये झुमकी स्टाइल में है, सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर, लेट मी जस्ट शो यू। सो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल झुमकीज हैं, और झुमकी के लिए मेरा लव तो आप जानते ही हैं। सो देखिए इतनी लेयर्ड में इतनी प्यारी झुमकीज, और इतनी लाइट वेट है, पता भी नहीं चलता है कि पहन रखी है। उसके अलावा वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइन ये है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, इसमें उनके पास दो तीन कलर हैं, इसी में दिखाती हूँ, इसी में दिखाती हूँ। सो दे हैव सम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज इन लाख ज्वेलरी, और इसी टाइप की लाख की डायमंड की झुमकीज भी हैं, छोटी बड़ी मीनाकारी की झुमकी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी डिजाइन है इनके पास। और इसके अलावा इयररिंग के अलावा उनके पास दे हैव नोज पिन, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नोज पिन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में हैं। उसके अलावा दे हैव रियली ब्यूटिफुल मांग टिक्का एंड बोरला ऑल्सो इन लाख। सो ऐसे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने से फायदा क्या होता है कि जो लोअर क्लास जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो ऐसी चीजों पे काम कर रहे हैं जिनके पास आजकल काम नहीं है, लाख का काम करने वाले लोगों को जो क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग रह गए हैं लाख का काम करने वाले, बिकॉज इसमें ज्यादा पैसा नहीं हो रहा है अभी, लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हमको ये हमारा कल्चर बचा के रखना है। तो उसके लिए हम लोगों को इस टाइप के छोटे स्टोर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी सिस्टर का है या ऐसा कुछ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जरूर नहीं मेरे सिस्टर का, किसी का भी, ऐसे जो छोटे बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे जो ये इस टाइप के जो कारीगर हैं, जो ये इतना इतना प्यारा और इतना इंट्रिकेट वर्क कर रहे हैं। सी
कितना प्यारा और इंट्रिकेट वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत डाल रहे हैं, उन लोगों को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। मतलब हम लोगों से हम लोग अगर ऐसी आर्ट को सिक्योर नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो फिर कौन बचाएगा, कौन सपोर्ट करेगा। देखो ये दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस है। सी गाइज, इस पीस में सब कुछ है। आप इसको अपने वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो, इंडियन आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो। सो गाइज प्लीज गो एंड शॉप फ्रॉम देम। सो जो नेक्स्ट स्टोर है दैट इज इब्तिदा बाय शिवरंजनी। सो इनकी जो रेंज है वो है इस टाइप की जुतियां, बहुत ही ब्यूटीफुल लेदर में जुतियां बनाती हैं ये। और मुझे सबसे अच्छी इनकी जुतियों की बात लगती है कि ये यहाँ से कुशनी होती हैं, जो हमारे पैर को बहुत आराम देती है। वरना नॉर्मली कई बार जो जुतियां मिलती हैं हमें बाजार में, वो यहाँ पे कुशन नहीं होने से पैरों में मेरे तो एटलीस्ट दर्द होता है। तो ये यहाँ और यहाँ पे इसमें कुशन भी है। सो इस टाइप की कॉटन की प्रिंट्स में आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जुतियां मिल जाएंगी, जिसमें बहुत ही प्यारी इस टाइप की फिनिशिंग हो रही है। डोंट माइंड गाइज, ये पहनी हुई जुती है तो इसलिए गंदी है। सो इस टाइप की जुतियां मिल जाएंगी। उसके अलावा इनके पास पार्टी वेयर जुतियां भी हैं, जिसमें ये इस टाइप का बहुत ही ब्यूटीफुल हाथ का काम, कैन यू सी कितना ब्यूटीफुल हाथ का काम हो रखा है। आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर हैं जो इस टाइप की हाथ के काम की जुतियां दे रहे हैं, बट दे आर रियली रियली एक्सपेंसिव। उनके मुकाबले दिस इज क्वाइट रीजनेबल। सो आई थिंक यू शुड गो एंड शॉप, दे हैव रियली ब्यूटिफुल डिजाइन एंड वेराइटी। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू चेक ऑल द डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। में बार बार बोल रही हूँ, एंड प्लीज कैन यू अप्रिशिएट दिस ब्यूटिफुल वर्क। सो मेरे पास इनकी एक और जुती है गोल्डन कलर में विद जरदोजी वर्क, और वो बहुत ही ब्यूटिफुल है। वो लाइक वो साड़ीज पे, सूट्स पे, सब पे बहुत सुंदर लगती है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मैं क्वारंटीन हूँ और मैं मेरे घर पे नहीं हूँ। सो वो मेरे पास अभी है नहीं। अगर आई विल फाइंड एनी पिक्चर ऑफ तो मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगी। अदरवाइज आई विल पुट सम पिक्चर्स जो आप यहाँ देख सकते हो उनकी कलेक्शन की, और आई विल सजेस्ट यू कि उनके इंस्टाग्राम स्टोर पे जाओ और सारी पिक्चर्स देखो। और एज आई सेड कि अगर आप इनसे कुछ खरीदते हो तो प्लीज उनको तो टैग करना ही करना, मुझे भी टैग करना, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे रिकमेंडेशन के थ्रू आपने कुछ खरीदा है। मेरा वीडियो अगर इतना सा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, वो मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। और प्लीज शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन लोगों को भी बताओ इन बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस के बारे में, तो सब लोग ग्रो करेंगे। और अगर आपको ये मेकअप लुक देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैं वहां पर भी बहुत अलग अलग टाइप का कंटेंट डालती हूँ। और धीरे धीरे हमारी ये छोटी सी फैमिली ग्रो हो रही है। सो सून आई विल अनाउंस अ स्मॉल गिव अवे। सो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, और आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।